दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन 18 महीने बाद जमानत पर जेल से रिहा हो गए। आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। रिहाई के बाद जैन ने केजरीवाल से मुलाकात की। आखिरकार 18 महीने बाद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन रिहा हो गए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउस एवेन्यू कोर्ट से शर्तों के साथ जमानत मिलने के बाद कल शाम उनकी रिहाई हुई। उनका स्वागत करने के लिए खुद मुख्यमंत्री आतिशी, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह तिहाड़ जेल पहुंचे। तीनों उस टेम्पो पर सवार हुए जिस पर सत्येंद्र जैन मीडिया को संबोधित कर रहे थे। सिसोदिया ने तिहाड़ से रिहा हुए जैन को गले लगाया। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री की रिहाई का जश्न मनाने के लिए सैकड़ों आप कार्यकर्ता तिहाड़ जेल के बाहर मौजूद थे। जेल से रिहा होने के बाद सत्येंद्र जैन ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। वहीं सत्येंद्र जैन की रिहाई पर बीजेपी ने कहा है कि भ्रष्टाचार किया है, इसके पुख्ता सबूत हैं, इसलिए 2 साल तक जेल में रहे। भ्रष्टाचार किया है उसके पुख्ता सबूत है और इसीलिए 2-2 साल तक ये लोग अंदर रहे हैं। और अगर 2 साल के बाद बेल मिलती है और आप कहते हैं कि हमारे खिलाफ कुछ निकला नहीं, तो इसका मतलब ये आप एक और फोर्जरी कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन की रिहाई ऐसे वक्त में हुई जब दिल्ली में कुछ महीनों बाद चुनाव होने वाले हैं।